की उड़ान, एलएसी पर चीन परेशान। राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। राफाल के जवाब में चीन का वीडियो वॉर। युद्ध की तैयारियां जारी, क्या युद्ध होगा? सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। बातचीत से समाधान या पराक्रम से बचेगा स्वाभिमान? एलएसी पर ब्रह्मास्त्र, दुश्मन का सर्वनाश। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अदिति अवस्थी। चीन और भारत के बीच एलएसी पर कोर कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। चीन बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की बात तो करता है, लेकिन बार बार अपनी बात से पीछे भी हट जाता है। ऐसे में भारत चीन की हर चाल से पूरी तरह से होशियार है। अब भारतीय वायुसेना अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान रफाल को भी लद्दाख के वातावरण से परिचित करवा रही है। अंबाला में तैनात रफाल लद्दाख में उड़ान भर रहा है और एलएसी के पास रफाल की उस उड़ान ने चीन को परेशान कर दिया है। भारत का आसमानी योद्धा रफाल उड़ा तो उसकी गर्जना बीजिंग में बैठे भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चीन के नेताओं को भी सुनाई पड़ी होगी। अपाचे, चिनूक, मिराज और सुखोई की शक्ति से परिचित चीन के लिए एलएसी पर रफाल की उड़ान उसकी साजिशों के सर्वनाश का संकेत है। भारतीय सेना की आक्रामकता देखकर पहले ही चीन की सेना का आत्मविश्वास पाताल लोक में जा चुका है। ऐसे में एलएसी पर भारतीय सेना को रफाल शक्ति का साथ मिलना चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। लेकिन जो साजिश से चूक जाए वो चीन कैसा? एक तरफ भारत और चीन के बीच बातचीत के जरिए पूरे विवाद का हल निकालने की कोशिश हो रही है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर पर छठवीं बार वार्ता हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीन तिब्बत में युद्ध अभ्यास करके अपनी युद्ध की तैयारियां दिखा रहा है। ऐसे में एलएसी पर रफाल की गर्जना चीन को भारत की तैयारियों से अच्छी तरह परिचित करवा देगी। एक तरफ तो मोल्दो में चीन के साथ भारतीय सैनिक और कूटनीतिक अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक चल रही है, वहीं दूसरी ओर यहाँ लद्दाख के आसमान में रफाल उड़ान भी भर रहा है। संदेश साफ है कि भारत चीन के साथ हर विवाद संवाद से सुलझाना चाहता है, लेकिन चीन की धोखेबाजी को समझता भी है, इसलिए सैनिक तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं। भारतीय सेना अलर्ट है तो भारतीय वायुसेना भी लगातार चीन पर नजरें बनाए हुए है। ऐसे में वायुसेना के MiG-29, सुखोई और मिराज जैसे विमान भी चीन की सीमा के पास उड़ान भरते हुए दिखे हैं। लेकिन रफाल लड़ाकू विमान जो 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल हुए हैं, उनकी एलएसी तक की उड़ान चीन के लिए बहुत बड़ा संदेश है। रफाल पायलटों ने अंबाला से लद्दाख तक विमानों को उड़ाया
रफाल को लद्दाख के परिचालन वातावरण से परिचित करवाया गया। जरूरत पड़ने पर लद्दाख में कार्रवाई के लिए तैयार है रफाल। रफाल के आने के बाद, हालांकि अभी 5 रफाल आए हैं, उसको ऑपरेशनली एब्सोल्युटली ये बैटलफील्ड में अब वो ऑपरेशंस करने के लिए तैयार है और उसकी मार करने की क्षमता, जैसा पता है कि वो गेम चेंजर माना जाता है, वो एक बहुत बड़ा ये है, सिरदर्द होगा चाइना के और पीएलए के लिए यदि वो कोई गुस्ताखी करता है। इससे पहले रफाल लड़ाकू विमानों ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी उड़ान भरी थी, यानी हिंदुस्तान में अब रफाल को पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के अभ्यास में लगा दिया गया है। रफाल के इस अभ्यास का मकसद है कि जरूरत पड़ने पर वो एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों के साथ दुश्मन को तबाह कर सके। क्योंकि लद्दाख में रफाल का मुकाबला करना चीन के किसी फाइटर प्लेन के लिए आसान नहीं है। रफेल जो है वो रेकी कर रहा है, रफेल उस एरिया में मौजूद है, तो वो अपने आप में एक मैसेजिंग है कि इंडियन एयरफोर्स फुली अलर्ट है और इंडियन एयरफोर्स अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो बहुत से चाइना को एक बहुत बड़ा कड़ा जवाब देगी और चाइना की फोर्सेस पर इंडियन एयरफोर्स भारी पड़ेगी। सबसे घातक मिसाइलों से लैस रफाल विमान अपने मिशन पर लग चुके हैं और रफाल का एक्शन में आना चीन के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, जिसका असर अब चीन पर नजर भी आने लगा है। लेह लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह भारत के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान का एक्शन चीन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले रफाल की पहली स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज अंबाला में तैनात है। अंबाला से चीन की दूरी सिर्फ 230 किलोमीटर है और अंबाला से रफाल चीन सीमा तक सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में पहुंच सकता है। रफाल की एक स्क्वाड्रन हाशिमारा में भी तैनात होगी। हाशिमारा एयरबेस से चीन की दूरी सिर्फ 80 ही किलोमीटर है। रफाल चीन सीमा तक सिर्फ 140 सेकंड में यहां से पहुंच सकता है। अब आपको बताते हैं कि भारत की रफाल शक्ति से चीन कितना परेशान हुआ है। लद्दाख में रफाल की उड़ान की खबर जैसे ही चीन तक पहुंची, चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने तिब्बत में चीन की सेना के युद्ध अभ्यास का एक वीडियो जारी किया, जिसमें चीन की सेना जमीन से हवा में मिसाइल हमले का अभ्यास कर रही है। यानी भारत के पराक्रम का मुकाबला चीन वीडियो वॉर से करना चाहता है। रिपोर्ट देखिए। गलवान से पेंगोंग तक भारतीय सैनिकों ने जमीन पर पराक्रम दिखाया है। गर्दन तोड़ लड़ाई हो या पहाड़ों पर चढ़ाई हो, भारतीय सेना चीन पर हर जगह बीस पड़ी है। लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम से आतंकित चीन ने हर बार सिर्फ अपनी सेना का वीडियो दिखाया है। रफाल ने अंबाला से लद्दाख तक की पराक्रमी उड़ान भरी तो जवाब में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो को दिखाते हुए चीन के अखबार ने दावा किया है कि तिब्बत सैन्य कमांड पर चीन के सैनिकों ने रात में हमले का व्यापक अभ्यास किया है। ये युद्ध समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। इस दौरान चीन की सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेट और होविट्ज़र तोपों का इस्तेमाल किया। भारत और चीन में जारी भारी तनाव के बीच चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस वीडियो में तोपे और गोले बरसाती दिख रही है। वीडियो में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी परीक्षण किया गया। दावा
दावा किया गया कि चीन की सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हवाई जहाजों को भी मार गिराने का अभ्यास किया। इस वीडियो के जरिए चीन की सेना और चीन का अखबार भारत की पराक्रमी सेना के सामने अपने सैनिकों की तैयारियां दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो चीन भी जानता है कि वीडियो में कई टेक लेकर पराक्रम दिखाना एक बात है और रणक्षेत्र में दुश्मनों पर मौत बनकर टूटना दूसरी बात। चीन की सेना को युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है, हाँ वीडियो बनवाने में चीन की सेना को महारत हासिल है। चीन की सेना लाइट और कैमरा देखकर एक्शन करती है, जबकि भारतीय सेना शत्रुओं की आहट पर काल बनकर टूट पड़ती है। चीन की सेना सुरक्षित स्थानों पर अभ्यास करती है और भारतीय सेना रणक्षेत्र में ताकत दिखाती है। रात के समय यह अभ्यास युद्धाभ्यास हो रहा है तो इसका मतलब जाहिर है कि ये एक डिफेंसिव सेटिंग के ऊपर एक्सरसाइज माना जाएगा। जो हमले की कार्रवाई होती है उसमें ऑफेंसिव फोर्सेस को सपोर्ट होता है, मगर ये सारी गतिविधियां एक डिफेंसिव है तो शायद उसको कहीं ऐसा खतरा लगता है कि कहीं इन नाम फोर्सेस कोई ऑफेंसिव भी लॉन्च करे इस ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में, तो उसके लिए वो बैटल ड्रिल कर रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि चीन सिर्फ भारत को अपने वीडियो वॉर से डराने की कोशिश करता है, चीन ताइवान के साथ भी वीडियो गेम खेल रहा है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री के ताइवान दौरे से भड़का चीन पिछले कई दिनों से लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहा है। बड़ी संख्या में चीन के सैनिक, बम वर्षक जहाज, रॉकेट लॉन्चर्स और आधुनिक युद्धपोत इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। चीन की वायुसेना ने ताइवान के अंदर घुसपैठ भी की है और चीन का अखबार इस युद्ध अभ्यास को ताइवान पर कब्जे की तैयारी बता रहा है। विशेषज्ञ अपनी ताकत को दिखाने वाले ऐसे वीडियो को चीन की सेना का मनोवैज्ञानिक युद्ध बताते हैं। चीन की सेना दुनिया के हर कोने में तनाव बढ़ा रही है और ताइवान से लेकर लद्दाख तक सिर्फ वीडियो बना रही है, लेकिन भारतीय सेना गलवान से पेंगोंग तक पराक्रमी प्रहार कर चुकी है। ऐसे में चीन को समझ जाना चाहिए वो छोटी मोटी शक्तियों को अपने वीडियो वॉर से प्रभावित कर सकता है, लेकिन हिंद की सेना को चीन की ऐसी चालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेह लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।